Prakriti Du, and today we're going to continue our part 2 of chapter 2 contemporary world politics. So before starting our video, let me tell you that recently Studyship with Kriti started crash course for class 12 history and political science, in which I'll be completing your syllabus of these subjects within 2 months. There will be live classes, quiz, online test, and aapko study material bhi diya jayega. It's gonna be paid course. For more info, you can contact me on my WhatsApp number given in description box. You can also text me on Instagram, otherwise Telegram. So let's get started. Alright, the chapter is the end of bipolarity. हमने जो है ये chapter के 4 topic complete कर लिए थे part 1 में. अगर आपने part 1 नहीं देखा है, kindly visit my channel and check out the playlist for these detailed explanation videos. Fifth topic is going to be shock therapy and its consequences. पहली बात ये shock therapy थी क्या? Shock therapy जो कि हम USSR में देखते हैं, USSR का disintegration हुआ and disintegration होने के बाद USSR को shock therapy face करनी होती है. Basically इसमें क्या था? अचानक से जो है sudden release of price हम देखते हैं, जो currency control है वो एकदम से छूट जाता है. Withdrawal of subsidies, government के जितने भी subsidies थे वो सारी हट गई. And trade liberalization, मतलब जहां communism में जो जो feature होते हैं वो एकदम से change करके सारे capitalist liberal वाले features डाल दिए. And इसकी वजह से लोग उस system के साथ cope नहीं कर पाए. So the model of a transition from capitalism, from communism to capitalism is also known as a shock therapy. So this was the definition. इसमें changes क्या हुए यहाँ पे आप देख सकते हैं. अब इसके consequences क्या होते हैं? Largest garage sale इसकी वजह से होती है. आप समझिए, इंडिया में जितनी भी government companies है सबको sale कर दिया जाए, सबको, और वो भी किस price पे, मतलब जिस price पे जो खरीद रहा हो, without doing any negotiation, सस्ते में बिक रहा है बेच दिया जाएगा. And this was the largest garage sale. यही हुआ USSR में. जितनी भी गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशंस थे और कंपनीज थी सबको बेच दिया गया एट अ थ्रो अवे प्राइसेस. एंड इसको बोला गया लार्जेस्ट गैराज सेल इन हिस्ट्री, मतलब इतिहास में ऐसा इतनी बड़ी सेल पहली बार हुई थी. दूसरा, वैल्यू ऑफ रूबल डिक्लाइन, रूबल जो कि करेंसी है रशिया की, इसकी वैल्यू गिर जाती है. थर्ड, रिमूवल ऑफ अ कलेक्टिव फार्म्स, मतलब पहले प्राइवेटाइजेशन नहीं था वहां एग्रीकल्चर का, लोग कलेक्टिवली जो है वो क्रॉप्स ग्रो किया करते थे. सो विदाउट इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी, कि मान लीजिए अभी यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ है एंड अचानक से इन्होंने कलेक्टिव फार्म्स का रिमूवल कर दिया, तो ये तो इंश्योर करना चाहिए था ना कि अभी लोगों को खाने के लिए है या नहीं है. इसकी वजह से अब चूंकि रिमूवल ऑफ कलेक्टिव फार्म्स हो जाता है विदाउट इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी, बाहर से खाना जो है वो इम्पोर्ट करना होता है, जो कि काफी महंगा पड़ता है इन कंट्रीज के लिए. ओल्ड ट्रेडिंग सिस्टम जितने भी थे सारे तोड़ दिए गए, सारे तोड़ दिए गए. माफियाज इमर्ज हो जाते हैं जो कि इकोनॉमिक पावर को ग्रैब करने में लग जाते हैं. एंड प्राइवेटाइजेशन वाइडन गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, अब अमीर और अमीर हो गया था एंड गरीब बहुत गरीब हो गया था. सो दिस वाज शॉक थेरेपी एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस. काइंडली मेक श्योर कि आपको ये टॉपिक समझ में आया, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. नेक्स्ट वन, टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट. अब देखते हैं इसकी वजह से कई सारी जगह सिविल वॉर होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं. नंबर वन इज वायलेंट सेशनिस्ट मूवमेंट जो कि चल रहे थे चेचेनिया एंड दागिस्तान में. सो चेचेनिया एंड दागिस्तान में चलते हैं सेशनिस्ट मूवमेंट, मतलब जैसे कि कंट्री है, ठीक है, इंडिया मान लीजिए, इंडिया में आपको पता है नॉर्थ ईस्ट में सेशनिस्ट मूवमेंट चलते रहते हैं. सेशनिस्ट मतलब उस हिस्से को वो अलग करना चाहते हैं उस कंट्री से, अलगाववादी आंदोलन. सो दिस इज सेशनिस्ट मूवमेंट जो कि चेचेनिया एंड दागिस्तान में चल रहे थे. सेंट्रल एशिया की बात करते हैं तो उस वक्त तजिकिस्तान में वॉर चल रहा था, ठीक है, सिविल वॉर जो कि तकरीबन 10 साल तक रहता है और 2001 तक रहता है, विच वॉज अ ग्रेट डील. थर्ड, सिविल वॉर इन टू प्रोविंस ऑफ जॉर्जिया, जॉर्जिया की 2 प्रोविंस में जो है वो सिविल वॉर हो जाता है. देन सिविल कॉन्फ्लिक्ट इन बाल्कन रिपब्लिक्स ऑफ यूगोस्लाविया, बाल्कन रिपब्लिक्स में कंट्रीज आती हैं जैसे कि एस्टोनिया, लात्विया, तो दीज आर द कंट्रीज जहां पे बहुत बड़ा वाला कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था. एंड बाल्टिक रिपब्लिक्स और सॉरी बाल्कन रिपब्लिक्स ऑफ यूगोस्लाविया, यूगोस्लाविया में भयंकर वाला कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, लेकिन भयंकर वाला, बहुत सारे लोग जो है लाखों की संख्या में लोग मारे जाते हैं यहाँ पे. एंड चेचेनिया और सॉरी इट्स चेस्लोवाकिया,
ठीक है, श्लोवाकिया में जो है हुआ है, जिसके लिए करेक्ट स्पेलिंग है। एंड द लास्ट टॉपिक इन टू दिस इज श्लोवाकिया। सो दिस वॉज पीसफुली स्प्लिट इन टू पार्ट, वन वॉज चेच एंड दूसरा था स्लोवाक। सो दीज आर द टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। अगर आपको ये वाले पॉइंट क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि जब आप पहली बार पढ़ोगे, क्योंकि आपने कंट्रीज के नाम पहली बार सुने हैं, रीजन के नाम पहली बार सुने हैं, तो थोड़ी कंफ्यूजन होती है, बट आफ्टरवर्ड्स आपको क्लियरली आ जाएगा समझ में। एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एज वेल एज ऑफ द वीडियो इज इंडिया एंड द पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज। इंडिया एंड रशिया के काफी फ्रेंडली रिलेशन रहे हैं शुरू से ही। सो इंडो रशियन बायलेटरल अग्रीमेंट 2001 के अंडर इंडिया ने रशिया के साथ 80 बायलेटरल अग्रीमेंट्स किए हैं, 80 बायलेटरल अग्रीमेंट्स। नाउ इंडिया को रशिया से क्या फायदा है, रशिया को इंडिया से क्या फायदा है, लेट्स सी। इंडिया की बात करें तो रशिया हेल्प ऑन इश्यूज लाइक कश्मीर, टेररिज्म, एंड जब भी यूएन में बात आती है, इंडिया किसी प्रॉब्लम से अगर गुजर रहा है, तो हर बार यूनाइटेड नेशन में रशिया उसका साथ देता है। रशिया ने और ये प्रूव भी किया है, लाइक ऑन द इश्यू ऑफ कश्मीर एंड ऑन टेररिज्म अगेंस्ट कंट्री जो पाकिस्तान की तरफ से होता है। सो इट्स लाइक इसमें रशिया ने साथ दिया है रशिया। अब रशिया को क्या फायदा है, ऑफकोर्स दोस्ती बिना किसी फायदे के नहीं होती, चाहे हम पर्सनल लेवल पे देखें अदरवाइज यहां पे देखें, स्पेशली पॉलिटिक्स में तो दोस्ती फायदे के लिए ही होती है। इंडिया हेल्प इन ऑयल क्राइसिस, इंडिया ने रशिया की मदद ऑयल क्राइसिस के वक्त की है। सेकेंड लार्जेस्ट आर्म मार्केट, रशिया के लिए इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट आर्म्स मार्केट है। सो गाइस दीज वर आवर टॉपिक, शॉक थेरेपी एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट इन इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज के किस तरह से रिलेशन रहे हैं, एंड स्पेशली हमने यहाँ पे इंडिया एंड रशिया के बारे में फोकस किया। एंड द लेटेस्ट टॉपिक जो इस चैप्टर में एड हुआ है, इट इज द अरब स्प्रिंग, विच आई विल बी टीचिंग यू इन आर नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, बिकॉज दैट टॉपिक आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन इन अ डिटेल। अरब स्प्रिंग काफी लेंथी टॉपिक है, बट आई विल जस्ट ट्राई टू मेक इट शॉर्ट जितना हो सके, बट इन्फो के साथ आपको प्रॉपर दिया जाएगा। सो जस्ट वेट फॉर पार्ट 3, टिल द टाइम यू कैन डू वन टास्क, इट इज हिट अ लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब स्टडीशिप विद कृति फॉर मोर सच सॉर्ट ऑफ वीडियोस। आप प्लेलिस्ट जरूर जो है सेव करके रखिएगा, ताकि आपको वीडियोस को ढूंढने में परेशानी ना हो। और हाँ, जैसे कि मैंने कहा था, स्टडीशिप विद कृति गोइंग टू स्टार्ट क्रैश कोर्स फॉर दिस बैच, तो इस ईयर जो है वो क्रैश कोर्सेज आने वाले हैं ऑफ 2 मंथ। इन केस यू आर इंटरेस्टेड, काइंडली कॉन्टेक्ट मी ऑन द गिवन नंबर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन ऑल्सो टेक्स्ट मी ऑन इंस्टाग्राम और टेलीग्राम। मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में।